अजमेर में दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग की ओर से आतिशबाजी सहित विभिन्न कारणों से आने वाली संभावित आगजनी से निपटने के लिए तैयारियां कर ली है। इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है, साथ ही अपनी 45 गाड़ियों के साथ कर्मचारियों की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगा दी है। ये जहाँ तक दिवाली का प्रश्न है, अपने फायर ब्रिगेड तो हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है, 12 महीने हम लोग तैयार रहते हैं। बाकी इस दौरान हमने ये व्यवस्था की है कि हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं सब इस समय वर्किंग कंडीशन में है, ऑन रोड हैं। कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तुरंत प्रभाव से गाड़ी को मूव किया जाएगा। हमारे जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के हमने 5-6 दिन के लिए सभी प्रकार के अवकाश निरस्त कर दिए हैं कि भाई कोई भी अवकाश पे नहीं रहेगा। और विशेषकर दिवाली वाले दिन यहाँ पर हमारे दोनों हम ऑफिसर भी रात में भी यहाँ पे ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे। यदि कहीं से भी कोई भी सूचना आएगी तत्काल प्रभाव से मौके पे पहुँचेंगे। जहाँ तक हमने शहरी क्षेत्र का प्रश्न है कि भाई वहाँ पर छोटी गलियाँ हैं, तो वहाँ के लिए हमने हमारे जो मोटरसाइकिल हैं तो ये बाइक हम वहाँ पे 4 बजे से रात के 11 बजे तक वहाँ पे तैनात रखेंगे। इस दौरान अगर कोई भी घटना किसी प्रकार की घटित होती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर काबू पाया जा सकेगा। और वैसे अगर ये देखा जाएगा साहब 4 से 12 ही क्यों, इसके पहले भी लग सकती, तो भी हमारी गाड़ी एक जो है एक हमारी मोटरसाइकिल राउंड द क्लॉक राउंड पे रहेगी। वो मार्केट में घूमते ही रहेंगे, वो कहीं एक जगह उनका स्थाई वो नहीं रखा जाएगा कि भाई स्टैंड बाई यहाँ रहेंगे, ये नहीं है। वो मार्केट में राउंड लेते रहेंगे, जहाँ पर अपने ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से टू व्हीलर अगर अलाउ नहीं है तो वो उस जगह नहीं जाएंगे, बाकी पूरे मार्केट में राउंड लेंगे। देखिए लाइसेंस देने का जहाँ तक प्रश्न है, लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है। हमसे तो केवल हमारे अग्निशमन संबंधित कोई अभिशंसा रिपोर्ट मांगी जाती है, वो हम वहाँ पे भेज रहे हैं। अभी हमारे सारा काम कंप्लीट करीब करीब हो चुका है, उसमें अब थोड़ा बहुत कुछ 10-5 दुकानें बाकी रह गई हैं, वो रिपोर्ट हमारी अभी कंप्लीट हो जाएगी। वो रिपोर्ट कंप्लीट करके अभी हम घंटे भर में भिजवा देंगे। टोटल 236 एप्लीकेशंस इसकी आई थी और शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें करीब 15 ऐसे पाए गए हैं स्थान जहाँ पर अग्निशमन वाहन नहीं पहुँच सकता, तो उनको हमने निरस्त करने की अभिशंसा की। सर अभी कितने वाहन अपने पास उपलब्ध हैं? सब मिला करके हमारे पास 22 वाहन उपलब्ध हैं। इससे हम पूरे शहर में न केवल शहर अपितु शहर के ग्रामीण क्षेत्र भी जो हैं, जैसे आपके किशनगढ़ में भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी गाड़ी भेजेंगे। नसीराबाद है, ब्यावर है और आसपास के क्षेत्र जो भी ऐसे हैं जहाँ पर आवश्यकता होगी तो वहाँ हम गाड़ी भेजेंगे। इसमें क्या क्या सेफ्टी के पॉइंट दिए जाएंगे दुकान वालों को जो किसे